अनदर डे अनदर ब्लॉग। मुझे ऐसा लगता है कि चैनल का नाम पंकज एंड प्रिया से पंकज एंड निखिल कर देना चाहिए। हम ऐसे ही निकल पड़े हैं, इधर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ, मैंने सोचा निखिल को भी लेके जाते, थोड़ा माहौल दिखाते इधर का। और आज सच में ठंड थोड़ी सी बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी है, तो इसलिए मैंने फिर से कुछ पहन लिया ऊपर। बाय द वे निखिल भी अपना चैनल स्टार्ट करने वाला है। कल रात में बोल रहा था कि मैं भी चैनल बनाता हूँ, बोला बना भाई बना, ये डालूंगा वो डालूंगा, डाल बोला डाल। पुनीत मोटर्स की तरफ से एक बहुत ही प्यारी सी ये फाइल मिली थी, जिसमें हम अपने कार की टाटा पंच की डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अपने पास पहले जितने भी गाड़ी थी, अपन सब के डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में डाल के गाड़ी में रखते थे। दिस टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग। तो दिस इज गोना बी द फर्स्ट सर्विस ऑफ टाटा पंच। मतलब ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुंबई में अपने अपने हिसाब से आप अपना सर्विस सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पवई साइड रह रहे हो तो आप फिर ये अंधेरी ईस्ट वाला सर्विस सेंटर ले लो। मैंने अपने ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे, अपने ऑफिशियल शोरूम पे कॉल किया था सौरभ को, उसने मुझे नंबर शेयर किया, श्रद्धा मैम है, उनसे इमीडिएट बात हो गई, लोकेशन भी आ गई। तो आई थिंक टाटा का सर्विस नेटवर्क इज गोना बी वन ऑफ द फाइनेस्ट वन होते जा रहा है धीरे धीरे। एक टाइम था जब टाटा की गाड़ी लेने के लिए लोग कतराते थे कि सर्विस अच्छी नहीं है टाटा की एंड ऑल एंड ऑल, बट अभी थोड़ा सा शायद रोड पे आता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, अब जाने के बाद में गाड़ी का क्या होता है, कैसे क्या होता है। कितना किलोमीटर हो गया निखिल टोटल? 2040। वैसे तो बोला जाता है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में या तो आप फर्स्ट सर्विस कराओ या फिर 2 महीने के अंदर फर्स्ट सर्विस कराओ, बट हमने गाड़ी भगा ली है उतनी। अब सर्विस मैनुअल इसमें था आई गेस, है ना? Okay, तो ये रहा सर्विस मैनुअल, ये कैरी करने को बोला था, ये रहेगा हमारे पास। बाद में ये हमारा पुराना ऑडियो सिस्टम, उसके बाद ये कुछ एक्सेसरीज एंड ऑल, ये सब अगर उन्होंने वापस निकालने को बोला तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने साथ में कुछ भी कैरी नहीं किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ काम ना पड़े। पैगंबरी माता की जय। मीटर मतलब वही ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के साइड में सर्विस सेंटर हो, इधर ही आरसी लो और इधर ही सर्विस करा दो। रेनॉल्ट का तो दिख रहा है अपने को यहाँ पे रेनॉल्ट का, बट अपनी गाड़ी टाटा की है तो अपन रेनो में नहीं करा सकते। गूगल मैप की ये खतरनाक बात है, फॉर्मे में डाल दो बोलते। वैसे भी शायद कल चलान चढ़ गई होगी एक अपने पे, है ना? अगर इतने नजदीक आने के लिए तो पैदल भी जा सकते हैं अपन, है ना? ये बड़ी अच्छी बात होगी, टाटा मोटर्स घर के नजदीक हो गया, ऐसा हो गया। बरोबर है, हाज रास्ता पुरला असता तिकडून नव्हता। तो फाइनली वी आर हियर एट टाटा पुनीत सर्विस, और यही रास्ता सही था, उधर से अपनी गाड़ी नहीं आती थी, रॉन्ग साइड हो जाता। कभी कभी गूगल मैप का भी सुनना पड़ता है। हियर इज टाटा पंच, ये टॉप एंड मॉडल है। तो ये रही अपनी टाटा पंच, इधर तो बहुत सारा माल खुला है। नेक्सॉन ज्यादा है निखिल, टाटा सफारी वो नेक्सॉन ही है, वो हैरियर, ये सब गाड़ी लेने की अपने को सबके सब ले लेंगे खाली। सर्विस एडवाइजर अवेलेबल है नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा वेट कर लो, हमने बोला पानी पी लेते टाटा वाला और दो कॉफी भी पियेंगे। और हमारे टाउन में क्या होता है, गाड़ी में अगर चश्मा उश्मा रह जाता है तो वो रह ही जाता है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing that. तो अभी हमारी कार का इंस्पेक्शन चल रहा है, ये हमारे सर है जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कार का, सब तरफ से फोटो ले लिए उन्होंने, और अभी शायद अंदर किलोमीटर वगैरह सब चेक करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कुछ टाटा मोटर्स की एक्सटेंडेड वारंटी हमको सजेस्ट की गई है, लेट्स सी क्या क्या आता है इसमें। तो भाई साहब ये है कार्ड हमारे सर्विस एडवाइजर का, और ये कुछ हमको रिसीट दिए है, आते वक्त लेके आना है। और हम पैदल हो चुके हैं, बड़ी टाटा पंच कर रहे थे अब तक, पैदल जाने का समय आ चुका है, हम आगे ऑटो लेके पैदल चलने का। इधर भी आना पड़ेगा कुछ दिन के बाद सर्विसिंग के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस बोलते बोलते वाट लग गए भैया, डोसा वोसा खा के आए हैं हम। Hey, I got something to say. अभी बज रहे हैं 4 और मुझे आधा घंटा पहले फोन आ गया था टाटा मोटर से, बाय प्रिया टाटा मोटर से, कि आप आइए और अपनी गाड़ी लेके जाइए। अभी अपने बिल्डिंग में पॉजिटिव पेशेंट है तो तुम हाथ वाथ मत लगाओ, चाबी से करो इधर उधर, पता चला अपनी क्वारंटाइन हो गए, घूमने आने के चक्कर में बैंड बज गई अपने इधर। सुबह चौड़े में हमने बोल दिया था वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी बोला निखिल को चुपचाप जुपिटर निकालते, निखिल गाड़ी लाएगा और मैं जुपिटर से आऊंगा।
ये रही अपनी टाटा पंच। मैं तो पीछे से इसको पहली बार देख रहा हूँ, काफी ज्यादा मैसिव लगती है यार गाड़ी। रोड प्रेजेंस तो काफी बढ़िया है एंड स्पेशली द कलर ऑटोमिक ऑरेंज, भाई साहब ये तो मेरा पहले भी फेवरेट था और लेने के बाद तो और ज्यादा फेवरेट हो गया। तो मालूम है क्या फर्स्ट सर्विस का कितना अनएक्सपेक्टेड बिल आया है अपने को? उन्होंने बताया कि अपने जो गाड़ी भगाया फर्स्ट सर्विस के पहले इतना गाड़ी नहीं चला सकता, ऐसा बोला। जिस तरीके तुमने बहुत भगाया बोले गाड़ी को, तो उसका वो जो गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक है ना, तो उसका जो वो जो भी सिस्टम रहता है गियर की जगह पे, तो वो जल्दी खराब होता है बोले ऑटोमेटिक गाड़ियों का, इसलिए हमने आपको पहले AMC का बोल के रखा था बोले। बट आपने AMC लेने से पहले ही गेम बजा दिया, 1.5 से 2 लाख रुपए का वो यूनिट आता है बोले आपके, इसमें उसमें प्रॉब्लम आ गया बोले, इसलिए उन्होंने फिर बिल दिया और वो पैसे नहीं लिया उसका, जीरो कर दिया। और ये मैंने मजाक किया था करवट लेने का। प्राइम सफल रहा हमारा, जीरो 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 बिल लगा। ये मुझे पता था अगर ऐसे सच में गाड़ी नहीं निकलती, ढकेल ढकेल। इंजन ऑयल भी चेंज नहीं करना पड़ता, टॉप अप ही किया उन्होंने। इंजन ऑयल 15,000 किलोमीटर पे चेंज होगा, मतलब नेक्स्ट सर्विसिंग में भी इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। तो क्या बोलना है तुम्हारा इसके बारे में? अच्छा है बाबा, जीरो पैसे लगे तो बहुत ही अच्छा। इधर नजदीक ही था तो निखिल अभी नीचे रुका है, हम नेक्स्ट वीडियो शूट करने की तैयारी में है क्योंकि गाड़ी अभी क्लीन है, अच्छी सर्विस होकर आई है, तो उसको अभी के अभी शूट करना बनता है मेरा, और वो वाला वीडियो शायद इस वाले ब्लॉग से भी पहले आ जाएगा। तो जाओ फिर भागो भागो। वो मॉडिफिकेशन इंडिया बेस्ट मॉडिफाइड टाटा पंच ऐसा टाइटल रखने वाला हूँ, इंडिया की बेस्ट क्योंकि हमारी है, हमारी है ना, इसलिए पहले। ओके गाइस, तो ये वाला ब्लॉग यही पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगा, नहीं वो नहीं बोलते अपन, वो अपन नहीं बोलते। ओके बाय, क्या बोलते हैं? ओके टाटा, ओके बाय बाय, ओके बाय, ओके बाय, फाइनल।